वेलकम बैक टू माय चैनल इंटीग्रेटिव क्राफ्ट एंड इनोवेटिव फूड हैक्स। हमेशा की तरह आज भी मैं आपके लिए हेल्थी यम्मी डिश लेके आई हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर दीजिए और पास ही लगे बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आने वाले नई वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। तो चलिए नाम स्टार्ट करते हैं। आज की रेसिपी बिल्कुल नई है, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि जो बच्चे फ्रूट्स नहीं खाते हैं वो फ्रूट्स कैसे खाएं। तो मैंने एक ऐसी रेसिपी बनाई है जिससे बच्चे फ्रूट को बहुत खुशी खुशी और आसानी से खा लेंगे। तो आज लेके आई हूँ मैं आपके लिए बन फ्रूट फ्लावर का मेथड। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं बन फ्रूट फ्लावर। इसके लिए चाहिए बन, फलों में लिया है मैंने यहाँ पे खरबूजा, केला, आम, अनार और अंगूर। तो ये अंगूर को मैंने बीच में से काट लिया है। ये है बादाम का पाउडर जिसको मैंने मिक्सी में बनाया था, और जैम, रूह अफ़ज़ा और खसखस सिरप। सबसे पहले मैं यहाँ पे खरबूजा ले रही हूँ और छोटी छोटी फ्रूट की कटोरी बनाऊंगी। तो ये कटोरी मैं खरबूजे और अनार से बनाऊंगी। तो देखिए, अगर हमारे घर पे स्कूप ना हो तो हम बिना स्कूप के भी चम्मच की हेल्प से आसानी से फ्रूट्स को शेप दे सकते हैं। तो ये देखिए बिल्कुल सिंपल, चम्मच सभी के घरों में होता है। और चम्मच की मदद से मैंने इसके बीच में एक बड़ा सा गैप बना लिया है जिसके बीच में मैं रखूंगी अनार के कुछ दाने। ये देखिए कितनी छोटी सी हमारी प्यारी सी कटोरी बन के तैयार हो गई है। तो ये देखिए तीन हमारी छोटी छोटी कटोरियाँ सुंदर प्यारी सी तैयार हो गई हैं। तो इसमें ना तो फ्रूट को छीलने का चक्कर है ना काटने का, बच्चे इसको ऐसे ही उठाएंगे और खा जाएंगे। इन कटोरियों को हम बन फ्रूट फ्लावर में रखेंगे। तो इसके लिए अब मैं पहले बन को बीच में से काट रही हूँ। तो ये मैंने ऊपर का पोर्शन जो है उसे मैंने काटा है, ये देखिए। और अब इसके बीच में मैं यहाँ पे होल बनाऊंगी। तो ये मैंने हल्का सा स्क्वायर बना लिया है चाकू से ही, और अब इसको मैं खाली कर लूँगी। तो ये देखिए मैं इसमें गैप बना रही हूँ, जगह बना रही हूँ। पहले मैंने बीच में से ज़्यादा ज़्यादा बन निकाला था, अब मैं इसमें से थोड़ा थोड़ा करके निकाल रही हूँ जिससे इसकी प्रॉपर शेप आ जाए और हमारा बन जो है वो फटे ना। तो ये देखिए यह हमारा जिसमें है स्क्वायर बन गया है। अब सबसे पहले इस स्क्वायर में जो जगह खाली है उसमें मैं सबसे पहले जैम भर रही हूँ। जैम से हमारे बन में फ्लेवर और कलर आ जाएगा और हमारा बन जो है वो मीठा हो जाएगा। तो अब कॉर्नर्स में मैं डालूँगी रूह अफ़ज़ा सिरप, अगर आप चाहें तो खसखस सिरप का भी यूज़ कर सकते हैं अगर आप इसे डबल शेड का बनाना चाहते हैं तो। खसखस सिरप टोटली ऑप्शनल है। ड्राई फ्रूट्स में आप काजू और पिस्ते का पाउडर भी ले सकते हैं, मैंने खाली बादाम का यूज़ किया है। अब इसके बीच में मैं बादाम का पाउडर इसको भरूंगी। तो इसकी फिलिंग कर रही हूँ और अब कॉर्नर्स पे मैं इसको किनारे पे साथ साथ में थोड़ा थोड़ा करके पूरा बादाम का पाउडर लगा दिया मैंने इसमें। देखिए ये पूरी तरीके से हेल्थी बन रहा है। इसमें सभी चीज़ें हेल्थ को देखते हुए मैंने रखी हैं। और अब इसमें हम फ्रूट्स रखेंगे। तो सबसे पहले मैं ले रही हूँ यहाँ पे केला, और केले के मैं चार पीस को लगा रही हूँ। तो मेरी पतली पतली स्लाइस हैं जो मैंने चारों कोनों में लगा ली हैं, ये देखिए। अब इसमें मैं मैंगो स्लाइस लगाऊंगी। उसके बाद मैंने इसमें ऐसे ही रखा है और ऊपर से रखी है खरबूजे की कटोरी जिसके बीच में अनार रखा है। तो ये देखिए ये हमारा फ्रूट बन फ्लावर बिल्कुल बन के रेडी है। नीचे मैंने इसकी प्रेजेंटेशन में भी फ्रूट्स का ही यूज़ किया है। और ये देखिए चम्मच में मेरे पास है वो फ्लावर। तो देखिए ये देखने में कितना सुंदर लग रहा है, कलरफुल लग रहा है, बच्चे इसको देखते हैं ऐसे ही खा जाएंगे। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर दीजिए और पास ही लगे बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे आपको आने वाली नई वीडियोस के नोटिफिकेशन आसानी से मिलते रहेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग क्रिएटिव क्राफ्ट्स एंड इनोवेटिव फूड हैक। थैंक यू।